हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य आसान फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक और नया कॉन्सेप्ट। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, दो आवेशों के निकाय की स्थिर विद्युत स्थित ऊर्जा पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे, ठीक है। आज उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए उस पर कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल, कुछ और अच्छे कॉन्सेप्टों को सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो फटाफट चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज का पहला एग्जांपल हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट एग्जांपल है, आपको तीन आवेश दिए गए हैं जो मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। ध्यान दें, एक डायग्राम से हमने ये कॉन्सेप्ट समझना है। एक आपको डायग्राम गिवन है, इसमें आपको क्या है, तीन आवेश दिए गए हैं। तीन आवेश एक सरल रेखा में, अगर हम इसको क्वेश्चन को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तीन आवेश हैं वो एक सरल रेखा में स्थित हैं। तीन आवेश कैसे स्थित हैं, एक सरल रेखा में, माइनस क्यू और एक क्यू है, ठीक है, कैपिटल क्यू है। तीन आवेश एक सरल रेखा में स्थित हैं, ठीक है। क्या है, माइनस क्यू और क्यू। ये आवेशों की दूरियां जो हैं वो समान हैं, समान दूरियां हैं। ये मतलब ये दूरी हो गई आपके पास में r, ये भी दूरी हो गई आपके पास में r, ठीक है, समान दूरियों पर स्थित हैं। तब क्वेश्चन में है, यदि निकाय की स्थिर विद्युत स्थित ऊर्जा शून्य हो, क्या है, यदि निकाय की स्थिर विद्युत स्थित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा शून्य हो तब कैपिटल क्यू बाय क्यू का मान क्या होगा, कैपिटल क्यू बाय क्यू का मान क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। निकाय की स्थिर विद्युत स्थित ऊर्जा शून्य है तब कैपिटल क्यू बाय क्यू का मान बताना है, बिल्कुल। अब अगर इस निकाय की स्थिर विद्युत स्थित ऊर्जा शून्य करनी है तो ध्यान दें जरा, कितने आवेश हैं, तीन, एक दो तीन, पेयर कितने बनेंगे, आवेश तीन है तो पेयर कितने बनेंगे, तीन बनेंगे, क्योंकि n n माइनस वन अपॉन टू, हमने कल क्या पढ़ा था, युग्मों की संख्या n n माइनस वन अपॉन टू, तो n, तो तीन बनेंगे किस किस में, एक दो और एक, इन दोनों में। तो u बराबर आप क्या लिखेंगे, u बराबर u12 प्लस u23 प्लस u31। कल का लेक्चर जो था वो काफी कम बच्चों ने पूरा देखा है, तो आप ध्यान दें उस लेक्चर को, अच्छे से देखें, कंप्लीट लेक्चर को देखें, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, ठीक है। अब हमको इसमें फॉर्मूला लगाना है, u इक्वल टू u12 u23 u31। निकाय की स्थिर विद्युत स्थित ऊर्जा शून्य है बराबर u12, 1 और 2 के बीच में, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे क्या, k q1 माइनस q q2 कैपिटल q डिवाइडेड बाय r, ये समझ आ गया, अच्छा, प्लस 2 3 k q1 q2 डिवाइडेड बाय r, ये समझ आ गया, प्लस तीसरा के q1 माइनस q q2 माइनस q डिवाइडेड बाय r, तो ये टोटल दूरी क्या हो गई, r प्लस r, ये हो गई 2r, समझ आ गया, अच्छा, ये जीरो हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस k स्मॉल q कैपिटल q अपॉन r, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस k स्मॉल q कैपिटल q अपॉन r, बात समझ में आ गई क्या, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन टू आर, ऐड करो इसको तो जीरो इक्वल टू माइनस का टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर प्लस का के क्यू स्क्वायर अपॉन टू आर, ठीक है। अब देखिए ये बिल्कुल ही आसान हो गया, अब इसको सॉल्व करना, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्या है, इसको हमने इधर ट्रांसफर किया तो ये बन गया 2k स्मॉल q कैपिटल q अपॉन 2k स्मॉल q कैपिटल q अपॉन r इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन 2r,
ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व किया तो एक k से k गया, एक q से q गया, एक r से r गया, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, 2 कैपिटल q इक्वल टू q अपॉन 2। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, कैपिटल q अपॉन स्मॉल q की, तो कैपिटल q अपॉन स्मॉल q इक्वल टू 1 अपॉन 4। इसको अपॉन में मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू 2, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कैपिटल q बाई q की जो वैल्यू है 1/4 है। काफी अच्छा न्यूमेरिकल है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक अगर आपको याद हो तो फर्स्ट चैप्टर में हमने आवेशों के निकाय के कारण परिणामी बल या संतुलन की अवस्था ज्ञात की थी, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, हमने ये कॉन्सेप्ट सॉल्व किया, बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दें, अगला क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें या नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। ये भी आपको, ये सारे जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं अभी जो लेक्चर, न्यूमेरिकल जो लेक्चर हैं, उनके नोट्स आपको क्या करना है, कंप्लीट लेक्चर देखना है और नोट्स साथ में बनाने हैं, ठीक है। इसके कोई सेपरेट नोट्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे न्यूमेरिकल्स के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसा डेटा होता है उसके हिसाब से हम न्यूमेरिकल ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है, ये न्यूमेरिकल को, नोट लेक्चर को कम्प्लीटली देखना है और आपको क्या करना है, इस लेक्चर के नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, अगला एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको क्या कहा गया है कि एक तीन आवेश हैं। मैं आपको फिर से, क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट होता है इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं, तीन आवेश हैं 10 ESU, एक तो 10 ESU है, 10 ESU का जो आवेश है वो 40 ESU के आवेश से, 40 ESU के आवेश से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बात समझ में आई, ऐसे आपको लिखा होगा क्वेश्चन में, एक 10 ESU का आवेश 40 ESU के आवेश से 2 सेंटीमीटर पर है, तथा ये जो 10 ESU का आवेश है वो 20 ESU के आवेश से, 20 ESU के आवेश से 4 सेंटीमीटर पर है। कितने पर है, 4 सेंटीमीटर पर है। तब क्या है क्वेश्चन, क्या है, 10 ESU के आवेश पर स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, क्या है, 10 ESU के आवेश पर, 10 ESU के आवेश पर, 10 ESU के आवेश पर स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। आपको क्या करना है, 10 ESU के आवेश पर स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा बतानी है, कि इस पर स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। अच्छा, अब देखिए निकाय की नहीं पूछी इसलिए तीन नहीं बनेंगे, अगर निकाय का पूछता तो एक इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के बीच में, निकाय का नहीं पूछा है, ध्यान देना कॉन्सेप्ट पे, निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं पूछी है, किसकी पूछी है, इस 10 ESU पर स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछी है, किस पर पूछी है, 10 ESU पर स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछी है। तो हम 10 ESU पर स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, कि हम इसमें दो ही कॉन्सेप्ट बनेंगे, एक तो इन दोनों के बीच में ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो एक तो 1-2 में और एक 1-3 में बनेगा। तो निकाय की कुल स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या लिखेंगे, U12, निकाय की नहीं 10 ESU की किसकी चाहिए 10 ESU की चाहिए। तो एक तो इन दोनों के बीच में U12, फिर प्लस एक इन दोनों के बीच में तो प्लस U13। अब CGS में तो K की वैल्यू 1 होती है, CGS में K की वैल्यू कितनी होती है, 1। CGS में पूछा है ना ESU सारी वैल्यू CGS में, तो हम इसको CGS में ही सॉल्व कर देंगे, किसमें सॉल्व करेंगे, CGS में। तो U=1:2 में क्या आ जाएगा, CGS में मैं बता दूं, U=, जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ा है, K Q1 Q2 R। CGS में K की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 1। K की वैल्यू 1 होती है तो ये क्या बन जाएगा, U=Q1 Q2 R। आप सॉल्व करते हैं तो Q1 Q2, तो 10 × 40 / R, तो 2 आ जाएगा, प्लस 1-3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में, तो 10 × 20 / 4, ठीक है। कैंसिल आउट करें 2 से, तो 20 आ जाएगा, 4 से करें
5 आ जाएगा, तो U इक्वल टू क्या आ जाएगा 200 प्लस 50, कितना आ गया 250 अर्ग। कितना आंसर आ गया 250 अर्ग। बात समझ में आ गई। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को, इस टाइप के कॉन्सेप्टों को आपको क्या करना है, इस तरीके से सॉल्व करने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, ये कॉन्सेप्टों को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे, आगे देखिए, आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। फिर से मैं आपको डायग्राम से ही दूंगा क्वेश्चन, क्योंकि हम क्वेश्चन लिखेंगे तो काफी टाइम लगेगा। डायग्राम से देता हूं आपको क्वेश्चन, आप चाहें तो क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आपको तीन आवेश दिए गए हैं, ठीक है, तीन आवेश दिए गए हैं, 8Q 2Q Q, तीन आवेश हैं। देखिए मैं डायग्राम से नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूं और डायग्राम से आपको क्वेश्चन देता हूं, ध्यान दें। तीन आवेश हैं 8Q 2Q और Q, ठीक है। 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, कितने पर है, 9 सेंटीमीटर पर स्थित हैं, कितने पर है, 9 सेंटीमीटर पर स्थित हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, यदि निकाय की स्थिर विद्युत स्थित ऊर्जा न्यूनतम हो, क्या है क्वेश्चन, यदि निकाय की स्थिर विद्युत स्थित ऊर्जा न्यूनतम हो, यदि निकाय की क्या हो, यदि निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो, क्या हो, न्यूनतम हो तब, न्यूनतम हो, यदि निकाय की स्थिर विद्युत स्थित ऊर्जा न्यूनतम हो तब प्रत्येक आवेश की स्थिति क्या होगी, तब प्रत्येक आवेश की स्थिति क्या होगी। ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको प्रत्येक आवेश की स्थिति बतानी है, ठीक है। अच्छा, तो प्रत्येक आवेश की स्थिति के लिए मैंने ऐसे मान लिया कि ये कितने पर हो गया, x पर हो गया, तो ये कितने पर हो जाएगा, ये 9 माइनस x पर हो जाएगा, और ये तो 9 पे है ही। कितने कॉन्सेप्ट बने, देखो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। किसकी बात कर रहे हैं, फिर से निकाय की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, निकाय की, और निकाय में तो जितने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे वो टोटल बनाने पड़ेंगे। तो अगर ये निकाय की बात कर रहे हैं तो आपने स्थिर विद्युत स्थित ऊर्जा U इक्वल टू क्या क्या होगा, 1 2 U 2 3 प्लस U 31 ये हो जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे तो U इज इक्वल टू U 1 2 1 2 1 2 में क्या आ जाएगा, K Q1 क्या है 8Q, Q2 क्या है 2 Q2 क्या है Q डिवाइडेड बाय X। बात समझ में आ गई, अच्छा। प्लस 2 3 2 और 3 के बीच में देखेंगे तो K Q into 2Q divided by कितनी है दूरी, 9 minus x, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो, इसको 10^-2 से सॉल्व कर दो, इसको भी 10^-2 से कर दो प्लस, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। प्लस अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों के बीच में सॉल्व करेंगे तो K Q1 8Q Q2 2Q divided by 9, तो 9 × 10^-2। अब आपसे कहा है कि निकाय की स्थिर विद्युत स्थित ऊर्जा न्यूनतम है, निकाय की स्थिर विद्युत स्थित ऊर्जा क्या है, न्यूनतम। पहले हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो U इक्वल टू क्या जाएगा 8K Q² / x × 10^-2। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं तो +2K Q² / 9 - x × 10^-2,
प्लस इनको सॉल्व कर लेते हैं तो 16 के क्यू स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, अब आपसे क्या कहा है कि निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या चाहिए आपको, न्यूनतम चाहिए। निकाय की जो स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा है वो क्या चाहिए, न्यूनतम चाहिए। तो हमने क्या लिखा, फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, अब इतना समझ जाना, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी न्यूनतम स्थिति ऊर्जा के लिए क्या लिखेंगे, न्यूनतम स्थिति ऊर्जा के लिए। स्थिति ऊर्जा आपको क्या रखनी है, न्यूनतम रखनी है। स्थिति ऊर्जा क्या रखनी है, न्यूनतम रखनी है। तो न्यूनतम रखनी है तो देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, डीयू बाय डीएक्स, क्योंकि स्थिति चाहिए ना इक्वल टू जीरो। आपका अगर मिनिमा पूछे या मैक्सिमा पूछे, मिनिमा पूछे, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मिनिमा पूछे या मैक्सिमा पूछे तो इसका एक बार डिफरेंशियल जीरो के इक्वल कर दो। मिनिमा या मैक्सिमा पूछे तो इसका एक बार डिफरेंशियल जीरो के इक्वल कर लो, ठीक है, तो आपको मिनिमा या मैक्सिमा की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा जी, तो इसका हमने डिफरेंशियल करना है यू का, इसका डिफरेंशियल करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, वो भी एक्स के रिस्पेक्ट में, और उसको जीरो कर देना है। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है और उसको क्या कर देना है, जीरो। तो अब देखिए इसका थोड़ा सा डिफरेंशियल करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंशियल करने से पहले हम चाहें तो इसमें से जो कॉमन आ रहे हैं टर्म उसको एक साथ कॉमन लेके और सॉल्व कर दें। तो हमने इसमें से क्या किया, इसको यहाँ पे डिफरेंशियल जीरो करना है तो डी वाई डी एक्स लिखा है यहाँ पे, और इसको क्या लिखेंगे, 8k q² upon x into 10 की पावर माइनस 2 प्लस 2k q² upon 9 minus x into 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, प्लस 16k q² upon 9 into 10 की पावर माइनस 2, ठीक है, और इक्वल टू क्या पुट करोगे, जीरो। ठीक है, इक्वल टू क्या पुट करोगे, जीरो। इक्वल टू अगर हम जीरो पुट करेंगे तो बस पूरा सॉल्व हो जाएगा। इक्वल टू में अगर आप जीरो पुट कर लोगे तो बस पूरा सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमने क्या किया, इसमें से 2k q² upon 10 की पावर माइनस 2 कॉमन निकाल दिया। क्या कॉमन लिया, 2k q² / 10 की पावर माइनस 2, ये पूरा कॉमन आ गया। अगर आपने ये वाला टर्म कॉमन निकाला तो dy/dx किसका करेंगे, फिर dy/dx ऑफ कौन होगा, देखो 2 गया यहां पे तो 4 बचेगा, 2 4 जा 8 2 चौक 8, k² कॉमन चला गया अपॉन में x बच गया। 2k² upon 10 की पावर माइनस 2 कॉमन गया तो प्लस क्या बचा, 1 upon 9 minus x बच गया, ठीक है। प्लस यहां से क्या गया, 2k तो 8 बचा, 8 upon 9, ठीक है, इक्वल टू व्हाट, 0। ये पूरा टर्म हमने इधर भेज दिया तो पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। और अगर पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया तो यहां पे क्या बचा, dy/dx हो गया, किसका, dy/dx आपका यहां पे x था तो ये जाएगा आपका क्या होगा, dy/dx सेपरेट कर लेते हैं, dy/dx 4 upon x प्लस dy/dx किसका करेंगे, 1 upon 9 minus x प्लस dy/dx किसका करेंगे, 8 upon 9 का, इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब देखें आगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, पहले तो 4 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, 4 को बाहर लिखा और dy/dx कर दिया किसका, 1 upon x का। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन होता तो log x होता, ध्यान रखना, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास में, 1 upon x बचा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है आपका प्लस dy/dx हो जाएगा किसका, 1 upon 9 minus x का, ठीक है, और इसका डिफरेंशियल 0 हो जाता है तो प्लस 0 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई। अब 1 upon x का डिफरेंशियल करने के लिए हमने क्या लिखा, 4 dy/dx ऑफ x की पावर माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस dy/dx ऑफ ये हो जाएगा 9 माइनस x की पावर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई। अब x की पावर माइनस 1 है तो डिफरेंशियल क्या होगा, nx की पावर n माइनस 1, तो n x की पावर n माइनस 1, ठीक है, n x की पावर n माइनस 1।
इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो डिफरेंशियल क्या होगा, एन एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। ये बात समझ में आई क्या आपको, ये बात समझ में आई? अच्छा, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ओ एक चीज और देखो, ये तो हमने 9 माइनस एक्स का कर दिया, ये 9 माइनस एक्स का कर दिया एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब यहां पे चेन रूल लगेगा तो एक्स की पावर माइनस एक्स का और करना पड़ेगा, माइनस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस वन, तो ये प्लस बन जाएगा। फिर से ध्यान दो, ये ध्यान दो, एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल किया तो एन माइनस वन आगे आ जाएगा, ध्यान देना अभी, एन एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और माइनस एक्स का करोगे तो माइनस वन, तो माइनस वन, तो ये क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। अगर ये प्लस बन गया तो अब आप आगे ध्यान दें, इसको मैंने सॉल्व करके क्या लिख दिया, माइनस का फोर एक्स की पावर माइनस टू प्लस नाइन माइनस एक्स की पावर माइनस टू इक्वल टू जीरो। इसको हम सिंपलीफाई करते हैं आगे, देखो इसको अब हम अगर सिंपलीफाई करें आगे तो सिंपलीफाई करने पर ये क्या बनेगा ये देखना है। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो इसको सिंपलीफाई करने पर क्या बनता है ये देखते हैं। तो ध्यान दें, ध्यान दें, सिंपलीफाई करने पर क्या टर्म बनता है, सिंपलीफाई करने पर क्या टर्म बनता है, इस बात का ध्यान दें। तो देखिए इसको हमने लिखा माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन नाइन माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया जीरो। ठीक है, इक्वल टू ये टर्म क्या बन गया जीरो। इसको आप इधर ट्रांसफर कर दें, इसको आप इधर ट्रांसफर कर दें, जैसे आप ट्रांसफर करेंगे तो वन अपॉन नाइन माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू फोर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमने इसको क्या लिखा, वन अपॉन नाइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर टू अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पे क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बना आपका क्या, वन अपॉन नाइन माइनस एक्स इक्वल टू टू अपॉन एक्स। इसका इधर मल्टीप्लाई करें और इसका इधर मल्टीप्लाई करें, तो जैसे आपने मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो x इक्वल टू टू नाइन माइनस एक्स, क्या बना टू नाइन माइनस एक्स। आप इसको और आगे सॉल्व कर देंगे तो x इक्वल टू नाइन टू जा एटीन माइनस टू एक्स, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो x प्लस टू एक्स इक्वल टू एटीन, तो ये क्या बन गया थ्री एक्स की वैल्यू आ गई एटीन। थ्री एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, एटीन। अच्छा, अगर आपके पास में 3x की वैल्यू 18 आ गई, बात समझ में आ गई, देखो फिर से ध्यान दो, ये 4 था 1 upon x, x को ऊपर ले गए 1 upon 9 minus x, ठीक है, इसको हमने फाइनली सॉल्व कर दिया, तो nx की पावर n minus 1 से इसको सॉल्व कर दिया। अब यहां पर या x की वैल्यू क्या जाएगी 6 सेंटीमीटर, क्या जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो देखो यहां पे हमने इसको और सिंपलीफाई कर दिया, तो सिंपलीफाई करने पर ये वैल्यू क्या बन जाएगी, सिंपलीफाई करने पर वैल्यू बनेगी आपके पास में क्या, x इक्वल टू 18 बाय 3, 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। तो ये इससे कितने पर होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर पर, और ये इससे कितना होना चाहिए 3 सेंटीमीटर पर। तो जो आपका निकाय है उसकी स्थिर वैद्युत स्थित ऊर्जा का मान जो है वो न्यूनतम होगा। ठीक है, अगर ऐसा कर दिया आपने तो निकाय की स्थिर वैद्युत स्थित ऊर्जा का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा, क्या होगा न्यूनतम होगा। बात समझ में आ गई। अब हम इसमें एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, ध्यान दें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान दें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि आपको दो आवेश दिए गए हैं, ठीक है, और एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर पर स्थित है। ठीक है, आपको क्या है क्वेश्चन, दो आवेश दिए गए हैं और ये दोनों आवेश एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित है, 40 सेंटीमीटर पर स्थित है। तो देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास में,
दो आवेश दिए गए हैं आपको, आपको क्या है दो आवेश दिए गए हैं, एक तो है आपके पास 100 माइक्रो कूलम और दूसरा है आपके पास 5 माइक्रो कूलम, एक दूसरे से क्या है 40 सेंटीमीटर पर स्थित है। ये बिंदु A हो गया और ये बिंदु B हो गया। तो हम सबसे पहले इसके बीच में स्थित ऊर्जा ज्ञात करेंगे, फिर जब इस 5 माइक्रो कूलम को बिंदु B से C पर ले जाएंगे, B से कहां ले जाएंगे C पर, B से C पर ले जाएंगे, ऐसा डायग्राम क्वेश्चन में दिया गया है, B से C पर लंबवत ले जाएंगे। तो C पर ये 5 माइक्रो कूलम के आवेश को ले गए, ठीक है, कहां से ले गए B से C पर, ये है आपका 30 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि किया गया कार्य कितना होगा, निकाय द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में करना है और सबको होमवर्क में करके भेजना है। फिर से ध्यान दें, क्या कहा मैंने कि एक 100 माइक्रो कूलम एक 5 माइक्रो कूलम का, समझ लें ध्यान से, 100 माइक्रो कूलम 5 माइक्रो कूलम का आवेश है, एक बिंदु A पर है और एक B पर है, दोनों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है। तो आप ऊर्जा निकाल दोगे, प्रारंभिक ऊर्जा U इनिशियल, ठीक है, कैसे K Q1 Q2 / R, K Q1 100 है, Q2 5 है, R 40 है, 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देना, इनिशियल आ जाएगा। फिर हम इसको क्या कर रहे हैं, इस 5 माइक्रो कूलम को B से C पर ले गए, B से कहां ले गए C पर, B से C पर ले गए, तो आपको अब इसके लिए चाहिए अंतिम और प्रारंभिक चाहिए, तो B से C पर ले गए, तो अब ये यहां पर तो है नहीं, और अगर ये यहां पर नहीं है तो आवेश तो यहीं बचाना, अब ये आवेश नहीं रहेगा, और अगर ये आवेश नहीं रहेगा तो इसको यहां से उठा के यहां पे ले गए, तो ये 40 है, ये 30 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आपका 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो आप फिर क्या करोगे, यहां पर यू फाइनल कैलकुलेट कर दोगे, और यू फाइनल क्या आएगा, के Q1 Q2 / R, ठीक है। तो इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक B से C पर ले जाने में कुल कार्य चाहिए, कार्य चाहिए तो U बराबर कितना कार्य किया जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, तो कार्य आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, या स्थित ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, तो हम ऐसे फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आई, तो आपको ऐसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं आपका होमवर्क में ये चेक करूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व चेक करूंगा इसको, ठीक है। मे बी दैट इसका आंसर 9/4 जूल के आसपास आता है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन लगभग इतना आएगा, तो आपको ये सॉल्व करके मेरे को होमवर्क में भेजना है, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, आसान फिजिक्स को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।